तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको एक जड़ी बूटी और एक तरीका ऐसा बताने वाला हूँ कि जिससे आपके कबूतर भाई महफूज रहेंगे। जिससे कि भाई जिस चीज़ का इंतजार था, जिस घड़ी का इंतजार था भाई, वो मौसम आ चुका है। हमारे खंडवा शहर में भी झड़ी लग गई है। कल रात से रिमझिम लगातार बारिश हो रही है और अभी मेरे भाई पूरे कबूतर बंद है, जाल के अंदर बॉक्स में बैठे हुए। अब ऐसे जो मौसम झड़ी लग जाती है, इस मौसम में कबूतरों का ख्याल किस तरीके से रखना है, संभाल किस तरीके से करना है, आज की इस वीडियो में भाई मैं इस जड़ी बूटी के तरीके से आपको बताने वाला हूं। और भाई ये मैं खुद अपने कबूतरों पर इस्तेमाल करने वाला हूं और इंशाल्लाह बारिश के चार महीने ये इस्तेमाल करूंगा, आप भी करें। अभी इस्तेमाल करने से पहले हमको करना क्या है वो आप ध्यान दीजिए। अभी आप देखो भाई, जो मेरे कबूतर की जाल बनी है, कबूतर सब बॉक्स में बैठे हुए। कबूतर की जो सामने देख रहा हो, ये पूरा पर्दा नीचे डल जाता है जिससे कबूतर अंदर गर्म रहेगा, हल्का सा गर्म रहेगा। हमारे को देसी तरीके से कबूतर को गर्म करना है, ना कि लाइट के। अभी मेरे कबूतर को आराम से बैठे हुए, कोई भी इनको परेशानी नहीं है, बिंदास बैठे। कितना भी यानी पानी आ जाए, कितना भी भाई बारिश हो जाए, कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला, गंदगी नहीं होगी। कबूतर कहाँ बैठे, बॉक्स के अंदर है। 40 एक कबूतर है अंदर। 40 एक कबूतरों में सिर्फ मैं अपने एक कटोरा दाना डालूंगा। दाना जब ये कबूतर खा लेंगे पेट भर के, उसके बाद मैं इनको ये दूंगा, मैं जड़ी बूटी। और ये तरीका मैंने पिछले साल बारिश के चार महीने ये तरीका आजमाया था, जिससे भाई मेरे को फ़ायदा ये मिला था कि मेरे कबूतर में 0.5% भी बीमारी नहीं देखने में आई थी। और यही इस्तेमाल, अब ये जो फॉर्मूला आपको भाई बताने जा रहा हूँ मैं, ये साल भी इस्तेमाल करूँगा और आपके साथ भाई वीडियो भी शेयर करूँगा। अभी कबूतर बंद है, सबसे पहले हम कबूतर को दाना खिला देते हैं। ये दाना भाई मैं लेके आया हूँ, उसके बाद में फिर मैं आपको ये जड़ी बूटी का नाम भी बता दूँगा कि क्या है और इससे फ़ायदा क्या होने वाला है, ये तो हमको मालूम होना चाहिए। ये बात भी सही है कि नहीं। मैं अपने पहले कबूतर को भी खोल देता हूँ। आप भाई इसमें अभी अपने कबूतर को दाना डाल दिया हूँ ना, खा लेंगे, उसके बाद में रखूँगा पानी। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ऐसा क्यों, यानी हम हमारे कबूतर को पेट भर का दाना क्यों नहीं खिला सकते। कभी आप अपने कबूतर को पेट भर का दाना खिलाएंगे ना, कबूतर का पोट जाम हो जाएगा। बारिश में क्या होता है, जब झड़ी लगती है ना, कबूतर खा पी के बैठ जाता है, खा पी के बैठ जाता है। उससे ये होता है कबूतर का वजन भारी हो जाता है, कबूतर का पोट जाम होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और बहुत जल्दी जहाँ कबूतर का पोट जाम होता ना, तो वहाँ आपका कबूतर बीमारी में तब्दील हो जाता है। कम दाना रहेगा और ये इस्तेमाल करेंगे ना, आपके कबूतर अच्छे रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उनका वेट नहीं बढ़ेगा, उनको पोट जाम नहीं होगा। गाइस बहुत सारी चीज़ हमारे को बारिश के चार महीने में सोचना और समझना पड़ता है। और इंशाल्लाह अब से मैं पूरी बारिश भर आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दूंगा, कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश करूँगा। तो गाइस अभी जो मैंने आपको बता रहा हूँ, मेरे भाई ये सिंगल कबूतर है। सिंगल कबूतर का आपको इस तरीके से ख्याल रखना है, जो कबूतर से आप अंडे बच्चे नहीं करवा रहे हो, मैं उनके हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो, जो अगली वीडियो आएंगी जोड़ वाले कबूतरों के लिए, ख़ासतौर पर जिससे आप अंडे लेते हो, जिससे आप बच्चे पलवाते हो, उनको भाई दाना कम नहीं देंगे, उनको दाना भी हम लिमिटेड देंगे। और दाना क्या देंगे वो अगली वीडियो में गाइस मैं आपको बताऊंगा। अभी जो मैंने आपको बताया हूँ वो गेहूँ की छानन बताया हूँ, वो इस्तेमाल करना आपको। गेहूँ की छानन वो आपको मार्केट में मिल जाएगी, आप मार्केट से लेके आ जाना भाई। मैंने भी लेके आता हूँ, हर बार छानन ही लेके आता हूँ, मोटे दाना लेके नहीं आता हूँ, बारीक दाने लेके आता हूँ, जिससे कबूतर दाना हजम कर लेता है। अभी भाई जैसे मेरे कबूतर दाना खा लेंगे, उसके बाद में मैं अपना जड़ी बूटी वाला पानी रख दूँगा अपने कबूतरों को। तो गाइस मेरे कबूतरों ने दाना खा लिया, वो पानी का इंतजार कर रहा है भाई। अभी हमारे को ये जड़ी बूटी इस्तेमाल करना है, तो इसका मैं ढक्कन खोल लेता हूँ। इस तरीके से आपको ढक्कन खोलना है, रख देना है। देखिए आप,
हमने तीन बूंद ले लिए है, देख लीजिए ये है। अब इसको यहाँ साइड में रख देते हम और ये पानी पिला देगा भैया। और माशाल्लाह गाइस ये कबूतरा पेट भर के पानी पिएगा। अब मैं इसको भाई आपको नाम बताता हूँ, ये होम्योपैथिक है, एलियो डाइजेस्ट इसका नाम है। ये मार्केट से लेके आ जाना और मात्र 155 रुपये ही, और पूरे बारिश के महीने आपके पास ही चल जाएगा। देने का तरीका ऐसा है, कबूतर को दाना खिला देना, दाना जब कबूतर खा ले एक लीटर पानी में तीन बूंद डाल देना बस ये, और कबूतर सामने पानी रख देना, कबूतर दाना खाएगा और ये पानी पिएगा, कबूतर का पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा, कबूतर का पूरा दाना हजम हो जाएगा। कबूतर इससे बिल्कुल साइड इफेक्ट ही नहीं है भाई, कबूतर का पूरा दाना इससे हजम हो जाएगा, ठीक है। और आपको बारिश में अभी जो लगातार झड़ी लगी है इसमें कबूतर को पेट भर के दाना नहीं खिलाना, आपको लिमिटेड दाना खिलाना है, कम से कम दाना खिलाना है आपको। ज़्यादा पेट भर के आप दाना खिला दोगे कबूतर का पोट जाम हो जाएगा, कबूतर बीमारी में तब्दील हो जाएगा, ये आपको काम नहीं करना है। मैंने दो तरीके आपको बताया हूँ, कम दाना खिलाना है, बारिश के झड़ी लग रही है इसलिए कम दाना, क्योंकि हमारे कबूतर भी बंद रहेंगे, कबूतर कुंडे भी रहेंगे, बस कबूतर दाना खाएगा बैठेगा, दाना खाएगा बैठेगा, वहाँ कबूतर बहुत जल्दी भाई बीमारी में चले जाता है। चलो भाई ठीक है, कभी मौसम साफ है, धूप निकली, कबूतर को हम दाना खिलाते पेट भर के, उसके बाद कबूतर को बाहर छोड़ देते, कबूतर उड़ता है अपना दाना हजम कर लेता है, उड़ता है फिरता है मस्ती करता है सब कुछ हो जाता है। बाकी अभी ये जो इसमें है इसमें आपको कबूतर का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, ये दो चीज़ का आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह भाई। आने वाली वीडियो में मैं आपको बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ जिससे आपके कबूतर भाई महफूज रहेंगे बारिश के चार महीने। मैंने कल ही वीडियो अपलोड करा था कि भाई हमारा खंडवा शहर में अभी पानी का मौसम नहीं है, बाकी आज यानी कल रात से झड़ी लग गई भाई, रिम झिम पानी आ रहा अभी, अभी भी बारीक बारीक भाई बूंदे आ रही है। और मैंने अपने कबूतर को आपके सामने किस तरीके से पैक करके रखा हूँ, किस तरीके से बंद करके रखा हूँ, उसी तरीके से ही आपको काम करना है। कबूतर को गंदगी में दाना नहीं खिलाना है, गीली जगह में दाना नहीं खिलाना है, साफ़ सुथरी जगह होना, दाना खा ले वापस से फिर आप पूरे कबूतर को बंद कर दे, फालतू घूमने नहीं दे भाई। ये थी वीडियो, कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताना, और भाई ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर करें आप, जितनी ज़्यादा वीडियो शेयर करेंगे जो नए भाई हैं नए शौकीन हैं उन तक का भाई मेरी वीडियो पहुँचाने की आपकी जिम्मेदारी है, क्यों सहने क्या बोलती पब्लिक सही है कि नहीं। ठीक है गाइस, मिलते हैं और कुछ नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यह है एलो डाइजेस्ट, कबूतरों के लिए सबसे बेस्ट ड्रॉप है ये। कबूतर को दाना खिलाना है, दाना खिलाने के बाद में एक लीटर पानी में तीन बूंद डाल के कबूतर के सामने रख देना है, हफ्ते में एक बार कबूतर का पूरा दाना। तो गाइस ये देखिए कबूतरों ने दाना साफ कर लिए और पानी पी के, भाई पानी पी के डायरेक्ट कहाँ जाके बैठ गए, बॉक्स में जाके बैठ गए, देख लीजिए आप। अब मैं कबूतर को 10 मिनट खुला छोड़ूंगा, उसके बाद को वापस कबूतर बॉक्स में बंद कर दूंगा मैं, क्यों सानिश क्या बोलती पब्लिक।